देखते हैं क्विक पोटैटो करी। उसके लिए हमें चाहिए बेबी पोटैटो, ये हमने बॉईल करके छील के रखे। अदरक लहसुन टोमेटो प्याज इसका हमें पेस्ट बनाना है। स्वाद अनुसार नमक शक्कर थोड़ा सा बटर और ये खड़ा मसाला है जिसमें हमने लौंग कलमी थोड़ी हरी इलायची फ्रेश क्रीम और मिर्ची पाउडर। सबसे पहले मैं इसका पेस्ट बना लूँ जिसमें हमने डाला टमाटर प्याज अदरक लहसुन और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। इसका हमें पेस्ट बनाना है, थोड़ा पानी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसका पेस्ट तो हमारा बन गया, अब लेते हैं थोड़ा सा बटर पैन में और बटर में मैंने एक खड़ा मसाला डाल दिया। इसे सौते करेंगे, थोड़ा सा चलाएंगे। एक क्विक पोटैटो करी है, लिटरली 7 से 8 मिनट में बनेगी। इसके बाद में ये प्यूरी जिसमें है प्याज टमाटर अदरक और लहसुन का पेस्ट। और पीसते समय थोड़ा सा मिर्ची पाउडर इसमें हमने डाला था। चलिए इसमें थोड़ा सा घी छूट गया, अब बारी है स्वादानुसार नमक थोड़ी शक्कर फ्रेश क्रीम उसके पहले आलू ये पोटैटोज तो अभी हमने ऐसे डाले मगर इसे पकाकर तल के भी आप डाल सकते हैं या भून कर भी डाल सकते हैं, उसमें मज़ा अलग आएगा। फ्रेश क्रीम और हरी धनिया अब इसे सर्व करेंगे चावल या रोटी के साथ। क्विक पोटैटो करी सर्व करते समय देखिए कितना सुंदर रंग इसमें आया। थोड़ी ग्रेवी ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा क्रीम और थोड़ी सी हरी धनिया इसे परोसेंगे चावल के साथ। क्विक पोटैटो करी कैसे बनी, छोटा सा रिकैप। क्विक पोटैटो करी बनाने के लिए सबसे पहले छोटे बेबी पोटैटो हमने बॉईल करके छील के रख लिए। उसके बाद में ग्रेवी के लिए हमने टमाटर अदरक लहसुन और प्याज काटकर मिक्सर में पीस लिया। उसके साथ थोड़ा सा हमने मिर्ची पाउडर डाली। फ्राई पैन में बटर लेके पहले पेस्ट भुना, पेस्ट को तेल छूटने के बाद इसमें हमने पोटैटो डाले फ्रेश क्रीम डाला हरी धनिया स्वादानुसार नमक शक्कर डाल के सर्व किया चावल के साथ।